ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम अगर देखेंगे तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम दो भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को कह रहे हैं दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वन इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इसको CNS कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एंड सेकेंड वन इज इसको हम कहेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम PNS भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से इट एज PNS। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये लीजिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दो नर्वस सिस्टम हो गया, वन इज सेंट्रल एंड सेकेंड इज पेरीफेरल, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल। ठीक है, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन है और ये नीचे जो आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आ रहा है, ये उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों आएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट इसमें पढ़ेंगे हम, एक को ब्रेन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें दो चीज पढ़ेंगे हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट कॉन्सिस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा, अब ये ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन से जितने भी नर्व्स पेरिफेरी में निकल रहे हैं ना सब, ठीक है, ब्रेन से जो निकल के पेरिफेरी में आ रहे हैं, चाहे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पेरिफेरी में जा रहे हैं, तो नाम ही से लग रहा है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हो गया, इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू पेरिफेरी रीजन। ठीक है, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। ठीक है, अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें दो कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, जिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में हम देखेंगे दो कैटेगरी होगा, कौन कौन से दो कैटेगरी है, तो इसको हम कहेंगे, एक कहेंगे डेट इज नोन एज, इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरीज होंगे, कौन कौन से दो कैटेगरी हो गया, ठीक है, ये कौन कौन से हो गया, तो इसको हम देखेंगे डेट इज, इसको ठीक है, तो ये दो कैटेगरी कौन हुए, एक हो गया सोमैटिक कहते हैं, वन इज नोन एज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, इसको हम कहते हैं क्या, SNS भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक, AUTONOMIC ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं क्या, ANSB कह देंगे, ANS। ठीक है, तो ये दो तरह का हो गया ऑटोनॉमिक, तो यहां पे लिख दे रहे हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये दो तरह का हो गया पेरिफेरल में। ठीक है, अब ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, तो ये हम इनको कहेंगे दिस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, तो ये क्या होता है, ये इट विल कह सकते हैं रिले और ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम वेयर, तो ये जो है ना ट्रांसमिट इंपल्स करेगा, पेरिफेरल है ना, तो CNS वगैरह से करेगा, कहां, दूर ना, तो ये CNS से करता है कहां पर, स्केलेटल मसल। ठीक है, तो इट कह सकते हैं रिलेज और ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल, ठीक है, जो कि वॉलेंट्री मसल है ना, ठीक है, स्केलेटल मसल, तो इसीलिए इसको क्या, स्केलेटल मसल हमारे क्या वॉलेंट्री है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम। क्या कहेंगे इसको हम, इसको हम कह सकते हैं वॉलेंट्री, इसी को हम इसीलिए कह सकते हैं वॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम, क्यों,
तो यहां पर लिख दे रहे हैं। तो ये क्या करता है, इट कंडक्ट्स और इट रिलीज और इट कंडक्ट्स और इट ट्रांसमिट्स, कुछ भी कह सकते हैं, ट्रांसमिट्स और कंडक्ट कुछ भी। तो इट रिलीज और ट्रांसमिट्स इंपल्सेस, इंपल्सेस फ्रॉम कहां से कहां करेगा, सीएनएस से पेरिफेरी में करेगा, लेकिन पेरिफेरी में भी कौन सा, स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल। और ये स्केलेटल मसल्स हैं तो ये क्या है, वॉलेंट्री है ना, हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए क्या है, वॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम हम इसको कहते हैं। तो ये कहां से कहां ले जा रहा है, तो इट कंडक्ट्स इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री, इसीलिए इसको कहते हैं वॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम, ठीक है। लेकिन ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ना, ये कहां से, ये भी सीएनएस से ही जाएगा, लेकिन ये कहां जाएगा, ये इनवॉलेंट्री मसल्स में जाएगा, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स, चाहे जितने भी विसरल ऑर्गेन्स हैं हमारे, ठीक है, विसरल ऑर्गेन्स मीन्स इनवॉलेंट्री ऑर्गेन्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं जिसका कंट्रोल हमारे सेक्रेशंस का कंट्रोल हमारे अंडर नहीं है, सब का सब में जाएगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री कर रहा है ना, ठीक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, वॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम ये था, ये हो गया इनवॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम, इसको कहते हैं, इट इज नोन एज इनवॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है ना, इसको विसरल न्यूरल सिस्टम भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी बताया ना, विसरल ऑर्गेन्स में भी जा सकते हैं ना, ठीक है, स्मूथ ऑर्गेन्स इज नोन एज विसरा, विसरल ऑर्गेन्स। तो इसीलिए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को हम एक दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इसी को विसरल न्यूरल सिस्टम भी कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, विसरल, VICRL, विसरल। तो इसी को आप क्या कह सकते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्या, विसरल न्यूरल सिस्टम। और ये क्या है, इनवॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तो यहां पे देख रहे हैं, इट रिलीज ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम, यहां लिख दें, इट रिलीज और कह सकते हैं ट्रांसमिट्स, ट्रांसमिट्स इंपल्सेस, ठीक है, ट्रांसमिट्स इंपल्सेस फ्रॉम कहां से कहां करेगा, तो यहां पे देख रहे हैं फ्रॉम, तो यहां पर कहेंगे सीएनएस टू, इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू, टू कह सकते हैं कहां पर, ये देखिए स्केलेटल मसल है, ठीक है, यहां कहां है, तो दिस इज स्केलेट, सीएनएस से स्केलेटल मसल है यहां, लेकिन यहां पर क्या हो गया, सीएनएस टू कह सकते हैं, स्मूथ मसल्स कह सकते हैं, ठीक है, और इनवॉलेंट्री ऑर्गेन्स कह सकते हैं, कोई भी इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये टू स्मूथ मसल्स, ठीक है, और कह सकते हैं इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी ऑर्गेन्स, ठीक है, और कोई भी ग्लैंड्स का सिक्रेशन निकालना है तो यही, और सिंपली वी कैन से ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स, ठीक है। तो इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है, इन सब को सीएनएस से यहां तक ले जा रहा है ऑटोनॉमिक, तो ऑटोनॉमिक कह सकते हैं क्या, ये ऑटोनॉमिक है, ठीक है, तो दिस ऑटोनॉमिक, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक लेकर जाएगा, ट्रांसमिट करेगा इंपल्स को, लेकिन ये कहां करेगा, ये जो है इट विल कैरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू कोई भी इनवॉलेंट्री ऑर्गेन्स, ठीक है, और ग्लैंड्स का सिक्रीशन निकाल रहा है, सब का सब यही कर रहे हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये हो गया, इसीलिए इसको वॉलेंट्री कहते हैं और ये इनवॉलेंट्री, ठीक है। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि दो कैटेगरीज में इसको बांटा गया, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है इसका टू कैटेगरीज है, इसको बांट दिया गया किस में, ऑटोनॉमिक को, एक को कहते हैं सिंपैथेटिक और एक को कहते हैं पारासिंपैथेटिक, ठीक है। तो एक को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स के बने होते हैं, ठीक है, और ये इसके दो हो गए, सिंपैथेटिक और पारासिंपैथेटिक, और पारा सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है। तो दो तरह के, इट कॉन्सिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स एज वेल एज
पारासिंपैथेटिक नर्व्स। और ये दोनों नर्व्स क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक कंपोनेंट होते हैं, सकते हैं एक कोई अपोजिट काम करेगा, दे विल डू अपोजिट, ठीक है फंक्शंस। तो ये क्या करेगा भी आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये सिंपैथेटिक हो गया, ये कह सकते हैं कि दो चीजें का, तो इट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सिंपैथेटिक एंड पारासिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है ये हो गया दिस, ठीक है। और ये सीएनएस, अब ये कैसे करता है, एक डायग्रामेटिक से हम थोड़ा बताएं। यहां देखिए, यहां पर मान लेते हैं कि दिस इज ये, यहां ये मान लीजिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहां पर हम देख लेते हैं, ये मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है। दिस इज सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये मान लेते हैं क्या है, ये लीजिए ये कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है बाहर एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब क्या हुआ, व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब कि क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये टिश्यूज कोई है, मस्कुलर टिश्यू है ना, पेरिफेरल टिश्यूज कोई भी ये, तो दिस इज क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई पेरिफेरल टिश्यू है बाहर, पेरिफेरल टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू है कोई भी, मस्कुलर टिश्यू भी हो सकता है, ठीक है ये टिश्यू है और ये सीएनएस है। उसी तरह एक और देख ले रहे हैं, यहां पर क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, यहां पर हम लिख रहे हैं कि एक इंटरनल एनवायरनमेंट, क्या लिख रहे हैं इंटरनल, ये लीजिए इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट ये है, ठीक है। अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेन्स है, इंटरनल मतलब कोई भी ऑर्गेन्स है, ठीक है जो इनवॉलेंट्री ऑर्गेन्स और विसरा भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख दे रहे क्या, यहां टिश्यू था, यहां पर कह सकते हैं ऑर्गेन्स और विसरा, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऑर्गेन्स है अंदर, ठीक है ये। अब यहां पर देखिए, सपोज करिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, कोई टिश्यू है, ठीक है कोई भी पेरिफेरल टिश्यू है, वहां से सीएनएस तक जाएगा ना, वहां से सीएनएस तक जाएगा, तो जो लेकर जाता है, ठीक है जो नर्व्स नर्व फाइबर इसको लेकर जाएंगे यहां पर सीएनएस तक, ठीक है उसको हम कहेंगे सेंसरी, क्या कहेंगे उसको, दिस इज नोन एज सेंसरी नर्व्स, ठीक है सेंसरी नर्व्स। और इसी को कहते हैं एफरेंट भी, AFFERENT एफरेंट नर्व्स, ठीक है। तो एफरेंट नर्व्स है, ठीक है मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पेरिफेरल टिश्यू है, टिश्यू से लेकर जा रहा है कहां पर, ये लेकर जा रहा है सीएनएस तक, तो जो लेकर जाता है सीएनएस तक उसको कहते हैं एफरेंट नर्व्स और सेंसरी नर्व्स कहेंगे, ठीक है नर्व फाइबर को, तो सेंसरी, तो व्हाट इज सेंसरी नर्व, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सच नर्व्स विच कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम कहां, टिश्यू टू सीएनएस, ठीक है पेरिफेरल टिश्यू से सीएनएस ले जा रहा है उसको क्या कहेंगे हम, सेंसरी। लेकिन अब ये क्या हो गया, यहां से सीएनएस से फिर इसको क्या हो गया, ऐसे गया ना यहां पेरिफेरल टिश्यूज के बाद यहां, तो फिर से वापस सिग्नल नर्व्स जो लेकर जा रहा है यहां पर, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज सेंसरी नहीं मोटर, तो मोटर MOTOR और एफरेंट नहीं एफरेंट, एग्जिट याद रखिएगा, तो एफरेंट नर्व्स, तो इसको क्या कहेंगे एफरेंट नर्व्स, ठीक है। तो एफरेंट नर्व्स क्या कर रहा है, सीएनएस से टिश्यू तक इंपल्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। उसी तरह यहां देखते हैं, मान लीजिए कोई इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या, कोई ऑर्गन्स है, मान लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मान लेते हैं हम क्या है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर चुका है पूरा, व्हेन यूरिन इज कंप्लीटली फिल्ड इन, कहां पर इट इज कंप्लीटली फिल्ड इन, वेयर इट इज कंप्लीटली फिल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, तो क्या होगा, बताए थे ना कि टेंशन इज क्रिएटेड, इसके बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वो क्या हो गया, वो एक्टिवेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, इट विल सेंड सिग्नल टू सीएनएस, ठीक है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भेजता था ना, सेंड सिग्नल टू सीएनएस, ठीक है। तो कैसा, सेंसरी सिग्नल ना, तो ये देखिए यहां पर हुआ जैसे ही ये किसको भेजेगा, इट विल सेंड सिग्नल टू सीएनएस, ठीक है। तो किसके थ्रू भेजेगा ये, तो जो भेज रहा है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेंसरी। तो ये देख रहे हैं वही है, दिस इज सेंसरी और एफरेंट नर्व्स है, वही सेम सेंसरी और एफरेंट नर्व से इसको भेज रहा है, तो ये देखिए सेंसरी है और एफरेंट,
ए डबल एफ ए आर ई एन टी एफरेंट नर्व से लेकर जा रहा है सीएनएस की तरफ, ठीक है। और इसके बाद क्या होता था, ये सिग्नल भेजा कि अगर व्हेन यूरिन इज कंप्लीटली फिल्ड तो इट सेंड्स सिग्नल टू सीएनएस, ठीक है। कैसा सिग्नल देख रहे हैं, ये सेंसरी सिग्नल नर्व के थ्रू भेज रहा है, ठीक है। और फिर क्या होता था, फिर उधर से सिग्नल कैसा, मोटर सिग्नल भेजेगा ना किसको, यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को कि तुम अब इनिशिएट करो कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ कौन सा, दोनों यूरेथ्रल स्पिंटर को खुलने के लिए करेगा ना। तो ये कौन मैसेज भेज रहा है, सीएनएस जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स भेज रहा है इसको यहां, तो वाया कौन सा नर्व, तो मोटर और एफरेंट नर्व्स, तो देख रहे हैं ये है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये वाला जो देख रहे हैं ना कि कोई भी पेरिफेरल टिश्यू से सीएनएस जा रहा है, सीएनएस से फिर वापस यहां आ रहा है, तो दिस इज ऑल क्या, यही है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। क्या है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एसएनएस, क्या है ये एसएनएस। लेकिन अब देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं ना है, ठीक है। ये सीएनएस देख रही है, सीएनएस क्या कर रहा है, इधर से कर रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्शन करो फिर इस तरह, तो ये वाला क्या हो गया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि द नर्व फाइबर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कौन कौन सा, वन इज सेंसरी नर्व्स एंड सेकेंड इज मोटर नर्व्स, ठीक है। तो सेंसरी नर्व क्या हो गया, तो सेंसरी नर्व्स कह सकते हैं, व्हाट इज सेंसरी नर्व, तो इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम कहां, इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी, देखिए एक इधर से भी है एक इधर से भी है, इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम कहां, टिश्यू और ऑर्गेन टू सीएनएस, ठीक है। इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू, सेंसरी ये भी है, और ऑर्गेन्स टू सीएनएस। और मोटर क्या हुआ, इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यू और ऑर्गेन्स, यही है ना, तो यही हो गया दो, तो दो नर्व फाइबर आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्व सिस्टम, सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। अच्छा ये सीएनएस क्या कर रहा है, एक तरह से सीएनएस देख रहा है ना कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग और कंट्रोल कर रहा है दोनों, देख रहे हैं, जैसे ही आया फिर भेजा इस तरह किया ना, तो इसीलिए कहते हैं कि सीएनएस क्या हुआ, सीएनएस इज द मेन साइट ऑफ, इट इज द मेन साइट फॉर क्या के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये हम यहां पर लिख दे रहे हैं, सीएनएस है ना ये, तो यहां लिख देते हैं हम इसको इधर, तो इट इज द मेन साइट, इधर लिख देते हैं सीएनएस क्या है, इट इज अ मेन साइट फॉर, मेन साइट फॉर क्या के लिए है, मेन साइट इंफॉर्मेशन, तो यहां लिख दे रहे इट इज अ मेन साइट फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, देख रहे हैं यही मेन है, क्यों, क्योंकि यही जो है ले रहा है फिर भेज रहा है, जो भी कर रहा है यही कर रहा है ना, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, तो योर आंसर विल बी क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये इसको लिख लें आप।